मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन चंद पंक्तियों को कोडरमा के सतगावा प्रखंड स्थित कानीकेंद की रहने वाली चांदनी बखूबी चरितार्थ करती नजर आ रही हैं। ऐसा हम इसलिए क्योंकि जहां शारीरिक रूप से जरा सा लाचार होने के कारण लोग हिम्मत हार जाते हैं, वहीं 11 साल की चांदनी के बचपन से ही दोनों हाथ नहीं है और वह एक पैर से भी पोलियो ग्रस्त है। बावजूद वह 5वीं कक्षा तक की शिक्षा ग्रहण कर रही है, चांदनी आगे भी पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहती है ताकि वह सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का अलग जगा सके। चांदनी उग्रवाद प्रभावित सतगावा प्रखंड स्थित कानीकेंद उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। वह मेघावी होने के साथ साथ पैरों से लिखती है और उसकी राइटिंग देखने लायक है। घर से लेकर स्कूल तक लाचारी और बेबसी को चांदनी ने कभी अपने आड़े नहीं आने दिया। पढ़ाई लिखाई के प्रति चांदनी की लगन को देखते हुए उसका परिवार भी आर्थिक रूप से लाचार होने के बावजूद उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने में जुटा हुआ है। चांदनी के पिता एक मेहनतकश किसान हैं और अपनी बेटी की मेहनत और लगन के आगे अपना हर कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। इधर मीडिया से जानकारी मिलने के बाद कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन ने तत्काल प्रखंड के वीडियो से बात कर चांदनी का हाल चाल लेने की बात कही। इसके अलावा चांदनी को पेंशन योजना के अलावा दूसरे सरकारी योजनाओं का लाभ देने का आश्वासन दिया है। चांदनी 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है और वह सुदूरवर्ती इलाके में रहते हुए सीमित संसाधनों में शारीरिक लाचारी के बावजूद भी वह अपने मुकाम को हासिल करने में जी जान से जुटी है। जिस शारीरिक लाचारी को चांदनी बचपन से झेल रही है वह शायद ही कोई एक भी दिन झेल पाए। बेबसी के बावजूद चांदनी अपने नाम की तरह जग को रोशन करने में जुटी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।